नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 64 साल की उम्र में शनिवार की दोपहर को सिंगापुर के अस्पताल में निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी साल मार्च महीने में अपनी किडनी से जुड़ी बीमारी की वजह से सिंगापुर के बड़े अस्पताल में उन्होंने सर्जरी करवाई थी। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर पहचाना जाता रहा है। बताया जाता है कि साल 2013 में अमर सिंह की किडनी खराब हो गई थी। उनके निधन पर बॉलीवुड गलियारे से भी खूब रिएक्शंस आ रहे हैं। मशहूर एक्ट्रेस और उनकी बेहद करीबी रहीं जयाप्रदा ने भी रिएक्शन दिया। जयाप्रदा ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी के निधन की खबर सुनते ही मुझे गहरा दुख पहुंचा है। ठाकुर अमर सिंह एक राजनेता के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति थे। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते थे। भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जयाप्रदा ने अमर सिंह को लेकर आगे लिखा, अमर सिंह साहब मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक एवं गॉडफादर थे। मेरे दुख की घड़ी में हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा समाज की सेवा करने के लिए मुझे प्रेरित किया। आज मैं राजनीति में उन्हीं की वजह से जीवित हूँ। अमर सिंह साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये जानकर मुझे यकीन नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैं बहुत दुख और तकलीफ में हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ हूँ। ईश्वर हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। बता दें कि अमर सिंह का पार्थिव शरीर आज दिल्ली पहुंच चुका है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।